हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजी। हेलो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हुए मौलाना तारिक जमील साहब की गिविंग दावा टू आमिर खान, तो इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था पिछला जो वीडियो हमने किया था मौलाना साहब की, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा भी मिला था, उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। तो हमने सोचा चलिए आज भी इस इनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन करते। तो गिविंग दावा टू आमिर खान, पता नहीं मैंने ये वीडियो देखा नहीं है, तो आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था कि पर्टिकुलर इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन कीजिए। और मौलाना साहब आप सबको पता है बहुत बड़े स्पीकर है, उनका बात बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए सुन लेते हैं उनका ये वीडियो। आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। अब तक उसके मैसेज आते का मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हुआ, मैंने कोई जादू किया, सिर्फ मोहब्बत। लोगों को मोहब्बत दो, करीब होंगे। मैं जब गया, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, तो कोई मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का। तो अल्लाह ने शाहिद आफरीदी को भेज दिया, शाहिद आफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो क्रिकेटर है। मैंने उससे फ़ोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा, उसने मुलाकात करवाई, तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा। जब मैं पहुंचा, मैक्सिमम पौना घंटा, मैंने ठीक। मैं गया तो वो सहमा हुआ चेहरा कि भाई मौलाना आ गया, पता नहीं क्या कहेंगे, भाई ये तो क्या कर रहा है, तो हराम कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तौबा कर, अभी तेरे लिए दोजख का फैसला हो जाए, पता नहीं क्या हो, वो डरा हुआ सहमा हुआ था। तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं 3 दिन के लिए, मैं उस दोस्त को उसकी नस्लों को दुआएं देता हूँ जो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया, ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक, ना वास्ता, ना मैं कोई उनसे मुतासर। एक लड़का था बंगाली था, गश करता था, लेकिन मैं उससे ज़रा मुतासर नहीं हुआ, मेरा दोस्त मुतासर हो गया था। तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था, तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे, कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे, तो वो मुतासर हुआ, वो 3 दिन के लिए जा रहा था, तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मुझे काम है चलो मेरे साथ, और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, ये मेरा उसका ताल्लुक, अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक, मैं उसका एहसान मां, मुझे ज़बरदस्ती ले गया। हमारे पंजाबी की मिसाल है कुब्बे नु लत लगी सिद्ध हो गया, वो जो होता है हंच बैक होता है, उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया, मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया, तो मुझे तो वो कुब्बे वाली लत पै गई। तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया, और जब मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, स्कूल का बेहतरीन, ये जुनैद जमशेद क्या है जो उस जमाने में ये सारा को ठाठाइया मैंने सारा किया है। तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने उससे बैठते ही फिल्मों की बातें शुरू कर दी, और थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता था, तो उसके ऊपर मेरे इलम का रोब पड़ गया, उसकी लाइन का इलम था ना, तो हैरान परेशान, ये वास तो हो नहीं रहा, तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, और कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए, वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं, उठे चले उधर चल के बैठते, वह खाने की टेबल पर थे तो वहां जाकर बैठ गए, फिर वही बातें शुरू हो गई। जब उसका सारा खौफ दूर हो गया और रिलैक्स हो गया, उसमें 1.5 घंटे से 50 मिनट गुजर गए थे, तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, अगर आप इजाजत दें तो आपको अपने नबी का हज सुनाओ। हाँ जी जरूर सुनाई। फिर मैं 1.25 घंटा बोलता रहा और वो ऐसे करके यहां से वो यूं नहीं हुआ, 1.25 घंटा ऐसे बैठ के यूं सुनता, हिला नहीं अपनी जगह से। लोग मोहब्बत के भूखे हैं, तुम फतवे देना शुरू कर देते। 2 घंटे की मुलाकात के बाद जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आया आमिर खान। हज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाएगा, ज़रूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूँ,
माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊँगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं, 4 से 6 का टाइम मैंने आपके लिए रखा है। तो मैं, जुनैद और एक और साथी, हम दोबारा वहाँ चले गए 4 बजे। 4:15 हम उसके साथ हमारी शूटिंग शुरू हुई। 4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल, और उसके माथे पे ज़रा निशान नहीं आया कि मैं बोर हो रहा हूँ। और उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले जाएं। मोहब्बत। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था रायमंड के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया, मेरी फिल्म तलाश आ रही, उसकी कामयाबी की दुआ करो। चंगी मैं कहा अब क्या करूं, जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे। मैंने कहा भाई ये मैसेज है, इसका जवाब का जी ये हमारा फील्ड नहीं, तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया, कि जान भी बच जाए जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला, तो मैंने फौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपका भाई। तो फौरन उसका मैसेज आया, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई पे मैं था हांगकांग, मैंने वहाँ से उसको मैसेज, देखो किसी मसरूफ आदमी को बराह रास्त फ़ोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, चूँकि मैं इसका बहुत सताया हुआ, बहुत सताया। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग में, आपको फ़ोन कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ोन कर सकता, मैं हमेशा उसे अब भी मेरा फ़ोन पर रब्ता, मैं पहले उसे मैसेज देता हूँ मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, अगर उसका जवाब ना आए फिर मैं नहीं करता हूँ। कभी वो खुद कर लेता है, कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर लें। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं उठ के बाहर आ गया हूँ, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊंगा। तो ऐसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फिल्म कामयाब हो गई। मैं कहा या अल्लाह मैं कोई नहीं की थी तेनो। भाइयो मोहब्बतें बांटो, नफरतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए, पहले की तरह आज भी वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा, उनका बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतर तरीके से वो अपना छोटा छोटा बात सिंपल वे में जो समझा देते हैं हम सबको, वो तरीका बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली ये वीडियो में उनका एक एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया आमिर खान जी के साथ, जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया था तो उसी को उन्होंने शेयर किया। बीच में उन्होंने उनका जो स्कूल लाइफ मतलब कॉलेज लाइफ था उसके बारे में भी थोड़ा सा बात किया। और बेसिकली एक बात, बहुत सारी चीज़ है जो अंडरलाइन मीनिंग है इसका, जैसे आमिर खान साहब को जब मतलब वो जब हज के लिए गए थे तब उनका मीटिंग हुआ था, तो पहले ही उन्होंने वैसा मतलब एक इम्प्रेशन नहीं छोड़ा कि वो हमसे बात ना कर पाए, उन्होंने उनको इजी किया पहले, उनके जो लाइन है उनके जो फील्ड है फिल्मों के बारे में बातचीत शुरू किया, उसके बाद जो अल्लाह की बातचीत है या फिर जो स्पिरिचुअल बातचीत है उसके ऊपर उन्होंने। आप कोई भी इंसान को अगर देखो, अगर आप जिस चीज में इंटरेस्टेड होंगे दूसरा इंसान अगर आपके साथ बात करते करते वही फील्ड में अगर बात करे तो आप कंफर्टेबल इजी हो जाओगे, बोर नहीं होंगे। तो वही चीज, तो एक मैसेज भी है कि आप अगर किसी और फील्ड में किसी
किसी के बारे में बात करना चाहते हो या फिर उसके साथ आप थोड़ा बहुत रब्ता करना चाहते हो, तो पहले आपको उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा बातें शेयर करना होगा, तब जाके लोग ईजी होते हैं। उन्होंने अच्छी तरह से उसको बयान भी किया है और उसके बाद जब उन्होंने अल्लाह की ऊपर बातचीत करना शुरू किया, जो स्पिरिचुअल बातें किया, तब आमिर खान ने बहुत अच्छी तरह से सुना उनको और मतलब एक तरीके से मतलब मिसमैनेजिंग हो गए, जो टाइम उन्होंने फिक्स किया था बातचीत के लिए उससे भी ज़्यादा हो गया और उनको मतलब पसंद भी आया। होता है ऐसा अक्सर, मतलब इंसान अगर किसी अगर अच्छे इंसान के साथ बात करता है, अगर कंफर्टेबल हो जाए तो टाइम नहीं दिखा जाता कि चलो इतना टाइम के लिए आया था अभी नहीं, मगर बात करते करते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। मुझे तारिक साहब की सबसे ज्यादा बात जो अच्छा लगता है वो है इनका जो सिंपलिसिटी है, जो थॉट प्रोसेस है इनका बहुत ही ज्यादा सिंपल है वे उनका बहुत, क्योंकि ज्यादा मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सुना है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए, वर्ड बोलो आप बहुत भारी भारी होता है, मतलब समझ में नहीं आता है कि आप बोलना क्या चाहता है, मतलब इतना इजी नहीं होता है, मगर इनका बात आप सुनो तो मतलब अच्छे से एग्जांपल देते हैं ना वो, बहुत सिंपल और मतलब इतना ज्यादा सिंपल लगता है सुन के कि आपको लगता है कि हाँ तो ये बहुत सही बात है, बहुत लॉजिकल रहता है। तो बात मौलाना साहब की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पिछले वीडियो में भी बहुत मैंने कहा था कि लॉजिकल होते हैं इनके जो बातचीत है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगा है। और भी कुछ इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे कि तलाश फिल्म का जो एक रिलीज़ होने वाला था, तब आमिर खान ने इनको मैसेज किया था कि दुआ करें, तो वो दुआ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका फील्ड अलग है शायद, तो उन्होंने दुआ नहीं किया, लेकिन उन्होंने आमिर खान को मैसेज भी किया कि जो क्रिएटिव माइंड है उनको ज़्यादा सक्सेस फेलियर के पीछे भागना नहीं चाहिए, जो क्रिएटिव माइंड है वो अपना काम करे, अपने काम से मतलब रखे, बेटर काम करे तो उसका ही उससे ही फायदा है। मतलब इंटेंशन अगर आप सेल्फलेस होकर काम करें, ऐसा मतलब हम बहुत बहुत ज्यादा काम करने की सोचते हैं, हाँ ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो, मतलब उन्होंने समझाया कि आप करते रहो आपका जो रिजल्ट होगा आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पहले से ही सोच रहे थे काम करने से कि हमें सक्सेस मिलेगा या फेलियर, तो उस चीज में काम ही नहीं कर पाते, तो एक भी वो भी मेरे ख्याल से कांडालाइन मैसेज था उनका, तो बहुत सारे छोटी छोटी मैसेज उन्होंने रखा है अपने पूरा वीडियो में। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया मगर उनके उस एक्सपीरियंस से भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने कहा कि हेट दुनिया में वैसे भी बहुत फैल चुका है, तो और ज्यादा हेट फैलाने से कुछ फायदा नहीं है किसी का। बोलो पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा मतलब लाइफ में। तो मुझे इनके बातचीत बहुत ही पसंद आता है, बहुत ज्यादा सीखने के लिए भी मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए मिलता है, और इतने सिंपल चीज इतने सिंपल तरीके से वो बताते हैं कि लोग बहुत ज्यादा लोग रिलेट कर पाएगा, मतलब छोटे बच्चे भी इनसे रिलेट कर पाएगा, जो ओल्ड होता है, जो बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी रिलेट कर पाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बातचीत करते हैं और इनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है इतना, मतलब इतने बड़े आदमी इनका जो एक्सपीरियंस रहे होंगे अपने लाइफ में, मतलब कॉलेज लाइफ उससे पहले उनका जो बचपन था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड एक इंसान है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान है, इसीलिए इनके पास वो नॉलेज है, और मेरे ख्याल से इनके पास नॉलेज के साथ साथ बहुत अच्छा एजुकेशन भी है, बहुत अच्छा अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, जो वर्ल्ड का जो नॉलेज है वो तो वो भी इनके पास है। कई कई बार क्या होता है इंसान के पास अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो उनका जो एक्चुअल जो डेटा जो है, इंसान का जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनके पास ऐसा नहीं, इनके पास पूरा जो डेटा है वो उनके नॉलेज के वजह से, उनका जो एक्सपीरियंस के वजह से, तो मुझे तो इनकी बातचीत बहुत पसंद आता है, ये वीडियो भी मुझे काफ़ी पसंद है और आगे भी इस तरह का वीडियोस हम इनके देखने वाले, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में कौन सा वीडियो हम देख सकते हैं इनका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।